आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने प्रकाशिका सक्रिय है। आपको पहला जो ऑप्शन दे रखा है विपक्ष CO(NH3Cl) का वोल्टाइज NH3Cl 2+ दे रखा है। आपको समपक्ष दे रखा है, यहां पर दूसरा समपक्ष दे रखा है CO(NH3Cl) का वोल्टाइज Br2+ दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है CO(NH3Cl) का होल ट्राइज Cl3 दे रखा है। इसी तरह से विपक्ष आपको दे रखा है CO(NH3Cl) का होल 4Cl2+ दे रखा है। इसी तरह से पांचवा ऑप्शन दे रखा है CO(Cl2C2O4) का होल ट्राइज 3- दे रखा है। इस तरह से आपको दे रखा है। तो यहां से सबसे पहले इनकी संरचनाएं बनाएंगे। तो पहले की संरचना बनाते हैं तो आपकी क्या बनेगी, यहां पर आपका केंद्रीय परमाणु क्या है, CO है। EN का मतलब क्या है, एथिलीन डायमीन है। तो यहां से ये आपका विपक्ष संरचना ऐसी आएगी। एक NH3 ऊपर होगा और Cl आपका क्या होगा, नीचे होगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, सममिति का तल है। क्या है, यहां पर सममिति का तल उपस्थित है आपके पास। तो यहां पर आपके पास सममिति का तल कौन सा है, ये आपका सममिति का तल है। तो ये आपका क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। क्या होगा, ये आपका प्रकाशिक असक्रिय असक्रिय आएगा आपका। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कोबाल्ट दे रखा है, यहां पर केंद्रीय परमाणु। आपको यहां से समपक्ष बनाना है, ये तो आपका क्या बनाता है, विपक्ष वाला बनाता है। अब समपक्ष बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर Br एक और रखने पड़ेंगे आपको, यानी 90 डिग्री पर रखने पड़ेंगे आपको। अब आपका यहां से क्या जाएगा, ये आपका En, और इसी तरह से ये आपका क्या जाएगा, यहां से En आ जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास क्या है, सममिति का तल उपस्थित है। तो ये भी आपका क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। क्या होगा, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहां पर CO(NH3) का होल ट्राइज Cl3 दे रखा है। तो यहां से इसकी दो संरचनाएं मिलेगी। एक संरचना तो आपकी क्या होगी, पृष्ठीय संरचना होगी यहां पर एक तरह से। तो यहां पर भी आपके पास सममिति का तल है। इसी तरह से दूसरी संरचना बनाए हम। दूसरी संरचना की बात करें तो वो आपकी क्या आएगी, यहां पर, यहां पर आप रख दीजिए NH3 रख दीजिए, यहां पर आप Cl रख दीजिए, यहां पर आप NH3 रख दीजिए, और यहां पर आप NH3 रख दीजिए, और यहां पर आप दोनों क्या रख दीजिए, यहां पर Cl रख दीजिए, और यहां पर भी आप Cl रख दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास क्या है, यहां पर सममिति का तल है वाला, कौन सा वाला आप देखिए, यहां पर ये वाला आपका सममिति का तल है, ये वाला आपका सममिति का तल है, ये वाला। तो यहां पर भी आपके पास क्या होगा, ये प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा, प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। अब हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। चौथे ऑप्शन में आपको दे रखा है विपक्ष दे रखा है, यानी आपको क्या करना है, जो आपका कोबाल्ट है ये आपका क्या है, केंद्रीय परमाणु है, यानी विपक्ष में आपको क्या रखना है, क्लोरीन और क्लोरीन रखना है। तो यहां पर क्लोरीन आप रख देते हो, क्लोरीन यहां पर रख दीजिए, NH3 आपका यहां पर आएगा, NH3 यहां पर आएगा, और NH3 यहां पर आएगा, और आपका NH3 यहां पर आएगा। तो यहां पर ये आपका क्या है, विपक्ष समावयवी। तो ये क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा, असक्रिय होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर भी आपके पास क्या है, सममिति का तल है। क्या है, यहां पर आपके पास सममिति का तल है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय आ जाएगा। अब पांचवे ऑप्शन की बात करते हैं। पांचवा ऑप्शन में क्या दिया, आपको क्लोरीन, क्लोरीन आपको क्या रखना है, विपक्ष में रखना है। C2O4 आपका क्या है, ऑक्सैलिक आयन है। तो यहां पर आपके पास इसको इस तरह से भी लिख सकते हो,
तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी आपके पास क्या है, सममिति का तल है। क्या है? सममिति का तल है। तो ये आपका क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। तो यहां से आपके पास जो पांचों ऑप्शन आए आपके क्या है, प्रकाशिक असक्रिय है। क्या है? ये भी असक्रिय है आपका, दूसरा भी असक्रिय, तीसरा भी आपका असक्रिय, चौथा भी असक्रिय और पांचवा भी आपका असक्रिय है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, कुल बराबर आपका आ जाएगा पांच असक्रिय समावयवी आएगा आपका। क्या आएगा आंसर आपका, पांच असक्रिय प्रकाशिक असक्रिय आएगा। यहां से आपका क्या है, उत्तर पांच आएगा आपका, प्रकाशिक असक्रिय। तो आपके पांचों ऑप्शन असक्रिय है यहां पर, तो पांचों के पांचों यहां पर आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ से सही आंसर है। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।